लगे जो नग अंगूठी में उसे कहते हैं नगीना। दोस्तों क्या कहते हैं, लगे जो नग अंगूठी में उसे कहते हैं नगीना, गर्मी में माथे से टपके पसीना, गर्मी में माथे से टपके पसीना, मिल जाए सबको किस्मत की हसीना। ठीक है, मिल जाए सबको किस्मत की हसीना, मुबारक हो होली, मुबारक हो होली का त्यौहार और फागुन का महीना। तो दोस्तों आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। हम बताएं कि जो हमारा होली का त्यौहार क्या है, जो हमारा होली का त्यौहार है, ये बुराइयों पे अच्छाइयों का जीत का त्यौहार है। तो आप लोग खुल के जीजिए और खुल के होली खेलिए। हम बताएं आप लोगों को कि जो होली है वो दो दिवसीय त्यौहार माना जाता है। क्या माना जाता है, दो दिवसीय त्यौहार माना जाता है। जो सबसे पहला हमारा होली का दिन है उसको होलिका दहन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, होलिका दहन के नाम से जानते हैं। और जो हमारा दूसरा है वो है होली खेलने का त्यौहार। लेकिन लेकिन मकसद सबका सेम है भाई साहब, मकसद सबका सेम है कि हम लोग होली में क्या करेंगे, दिल में भरे सारे द्वेष को, दिल में भरे सारे द्वेष को भुला करके अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से गले मिल करके हम लोग उनके साथ उत्साह के साथ होली खेलेंगे। मतलब क्या कि सारी बुराइयों को छोड़ के अच्छाइयों को हम लोग ग्रहण करेंगे। हम बता दें आपको कि जो होली त्यौहार है, जो होली त्यौहार है वो हमारा पूर्णिमा के दिन यानी कि फागुन के पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। फागुन के पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है और चैत्र के प्रथमा के दिन, चैत्र के प्रथमा के दिन होली खेला जाता है, जो हमारे यहाँ उत्तर भारत में बहुत ही प्रसिद्ध है, उत्तर भारत में बहुत प्रसिद्ध है। और इसी के खेलने के साथ लोग क्या करते हैं, रंग के साथ सुबह में खेलते हैं और शाम में अबीर और गुलाल से खेलते हैं। क्या करते हैं, अबीर और गुलाल से खेलते हैं दोस्तों। तो हम आपको बता दें कि जो हमारा पहले दिन की होलिका दहन होती है, जो हमारा पहले दिन होलिका दहन होती है उससे हम लोग छोटी होली कहते हैं। क्या कहते हैं, छोटी होली कहते हैं। और दूसरे दिन जब हम खेलते हैं तो उसको हम लोग बड़ी होली और होली के नाम से जानते हैं, होली और बड़ी होली के नाम से जानते हैं। हम आपको बताएं कि हमारे उत्तर भारत में, उत्तर भारत में माने जाने वाले त्यौहार में से दूसरा त्यौहार हमारा होली है। पहला आता है दीपावली, जो कि आप लोगों को विजयदशमी के बाद दीपावली मनाई जाती है, त्यौहार है वो है होली दोस्तों। क्या है, पहला है दीपावली जो कि हम लोग मनाते हैं। जब हमारे भगवान राम जी लौटे थे तो हम लोग दीपावली मनाए थे, और अब होली है तो होली की भी कुछ विशेषताएं हैं हम आपको बताएं। उससे पहले हम आपको बता दें एक आश्चर्य और सबसे अच्छी बात ये है कि जो हमारा होली है, होली में मथुरा वृंदावन नंदगांव बरसाने जैसे जगह में लठमार होली के नाम जानते हैं। क्या नाम जानते हैं, आप लोगों ने एक गाना सुना होगा बड़ा प्रचलित था कि होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, सुना होगा गाना ना। अगर ये गाना आप सुने हैं तो ये गाना वहीं से आया था, ठीक है, कि रघुबीर होली खेलते हैं, यानी हमारे भगवान, हमारे राम जी कृष्ण भगवान सब लोग होली खेलते हैं और क्या वो प्यार बरसाते हैं। तो हम बताते हैं आपको कि होली जो है बरसाने नंदगांव में जो लठमार होली होती है उसको देखने के लिए देश विदेश यानी कि भारत में ही नहीं हमारे दूसरे देश से लोग आते हैं मथुरा वृंदावन में होली देखने के लिए। तो हम बताएं आपको कि होली की विशेषताएं जो होती हैं, लठमार होली का मतलब होता है वहां की गोपियां, वहां की लड़कियां लड़कों को लठ मारती हैं। क्या करती हैं, लठ मारती हैं और उन्हें बताती हैं कि होली का त्यौहार है। वहां की गोपी और गोपियां जो भी मनाती हैं उसको हम लोग लठमार होली कहते हैं। अगर उसे हम अवध में रामलला, अवध में रामलला गोकुल में खेले होली, क्या है, अवध में रामलला कान्हा गोकुल में खेले होली, किसी की पगड़ी भीगे, किसी की पगड़ी भीगे किसी की चुनर चोली, किसी की पगड़ी भीगे किसी की चुनर चोली, कैलाश में बाबा शिव जी खेले, कैलाश में बाबा शिव जी खेले, अपने अपने गांव में
मस्तों की टोली, आप लोगों को मुबारक हो, हैप्पी होली। तो दोस्तों हम बताते हैं कि जो हमारा होली त्यौहार है इसकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ इतिहास है जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। दोस्तों हम लोग बात करते हैं होली के इतिहास पे, किससे होली के इतिहास पे कि आखिर बुराई से अच्छाई की तरफ क्यों मानी जाती है हमारी होली। तो हम बताते हैं आपको एक छोटी सी कहानी, 2 मिनट के अंदर ये कहानी बताएंगे हम आपको। हिरण्यकश्यप का नाम आपने सुना होगा, एक राक्षस राजा था। क्या था? एक बहुत बड़ा राक्षस राजा था जिसने पूरे पृथ्वी पे राज किया था। क्या किया था? जिसने पूरे पृथ्वी पे राज किया था और विष्णु भगवान को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था। विष्णु भगवान को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था। जो भी विष्णु भगवान की पूजा करता या किसी भगवान की पूजा करता उसको नहीं पसंद था, उसको नहीं पसंद था, उसको मरवा देता था। यानी कि पूजा करने वाला प्राणी पृथ्वी पे नहीं रह पाता था। तो सौभाग्य की बात यह है कि भगवान की लीला ये हुई कि उनके घर में हिरण्यकश्यप को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था प्रहलाद। नाम तो सुना होगा, जिसका नाम था प्रहलाद, जो कि विष्णु भगवान का सबसे बड़ा भक्त, विष्णु भगवान का सबसे बड़ा भक्त। उसने अपना पूरा जीवन विष्णु भगवान के नाम से समर्पित कर दिया था और दिन भर भगवान विष्णु का नाम लेता था। हिरण्यकश्यप को अच्छा नहीं लगता था, हिरण्यकश्यप को थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता था। उसने उसे मारने का प्लान किया, कई बार समझाने का प्लान किया, जब उसने नहीं माना उसने उसे मरवाने का प्लान किया। तो उसे सांपों से कटवा दिया जाता था, पहाड़ों से फेंक दिया जाता था, उसे भालों से घोपिया जाता था। तो दोस्तों लेकिन वो उसकी डेथ नहीं होती थी, वो मरता नहीं था, क्योंकि जब भी उसके ऊपर कोई प्रहार होता था, क्या है, जब भी उसके ऊपर कोई प्रहार होता था तो वो भगवान विष्णु का रूप लेकर के वहां पे हो जाते थे। भगवान विष्णु को सच्चे दिल से, सच्चे आस्था से याद करता था और वहां पे विष्णु भगवान आते थे और उसको बचा लेते थे। तो उसकी डेथ नहीं हो पाती थी, लेकिन लेकिन हिरण्यकश्यप की एक होलिका सिस्टर थी, यानी कि एक बहन थी जिसका नाम था होलिका, जिसका नाम था होलिका। उसको भगवान ने वरदान दिया था। क्या दिया था? उसको भगवान ने वरदान दिया था कि तुम कभी भी अग्नि में भस्म नहीं हो सकती, अग्नि में जल नहीं सकती, लेकिन उसका दुष्प्रमाण यानी कि उसे कुछ भी गड़बड़ करने पर वो वरदान बिगड़ जाएगा और क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि हमारी बहन तो जल नहीं सकती, हमारी बहन तो अग्नि में भस्म हो नहीं सकती, हम उसे अग्नि में जलाएंगे। तो उसको लकड़ी के सैया पे बैठा दिया था, लकड़ी के सैया पे होलिका को बैठा के उसके पुत्र, अपने पुत्र को उसके गोद में दे दिया और बोला अपने सैनिकों से कि आग लगा दो, बोला अपने सैनिकों से आग लगा दो। फिर जो हमारा प्रहलाद भगवान थे उन्होंने भगवान विष्णु का नाम लेना शुरू किया, भगवान विष्णु का जप करना शुरू किया और हाँ होलिका भस्म हो गई, लेकिन भगवान प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। यही कारण है कि बुराई पे अच्छाइयों की जीत होती है। क्या होती है? बुराई पे अच्छाइयों की जीत होती है। हम अगर एक वर्ड में कहें तो दिल से दिल मिलाने का मौसम, क्या है, दिल से दिल मिलाने का मौसम है, गालों पे गुलाल सजाने का मौसम है, गालों पे गुलाल सजाने का मौसम है। भले कोई कितना भी भिगा दे रंगों से, होली है जनाब, क्या है ये, होली है जनाब, सब कुछ भुलाकर मुस्कुराने का मौसम है, ये होली है जनाब, सब कुछ भुलाकर मुस्कुराने का मौसम है। तो दोस्तों आप लोगों को होली की ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारा प्यार हमारे पूरे यूनिक ग्रुप प्रयागराज की तरफ से, पूरा यूनिक ऑनलाइन गुरु की तरफ से, यूनिक क्लासेस की तरफ से आप लोगों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारा होली खेलना है, होली मस्ती के साथ खेलिए क्योंकि मौज मस्ती वाला ये हमारा त्यौहार है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।